हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने टिकटॉक में लाइव ऑप्शन कैसे चालू कर सकते हैं। बहुत सारे टिकटॉक यूजर हैं, लाइव ऑप्शन नहीं मिला है, क्योंकि यदि आपको लाइव ऑप्शन मिल सकता है तो आप टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं। यदि आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आप लाइव ऑप्शन कैसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप टिकटॉक पर लाइव ऑप्शन चालू करना चाहते हैं या फिर लाइव ऑप्शन आपको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बातों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, सबसे पहले यदि आपको लाइव ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर आपको 1000 फैंस फॉलोवर होना चाहिए, या उनके से नीचे है तो आपको यहाँ पर लाइव ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका एज जो है यहाँ पर 16 साल प्लस होना चाहिए, यानी 16 साल से कम होगा तो भी आपको यहाँ पर लाइव ऑप्शन नहीं मिलेगा। नंबर थ्री, जब 1K+ फैंस फॉलोवर हो गया हुआ है तो आपको लाइव ऑप्शन तभी मिलेगा या आप कम्युनिटी गाइडलाइंस का ब्रेक नहीं किए हैं। यदि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक कर दिए हैं किसी एक वीडियो में भी तो आपको यहाँ पे लाइव ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, जिस वीडियो पे आपको लगता है कि हम कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक किया है उस वीडियो को आप प्राइवेट कर सकते हैं, इसके बाद लाइव ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइव ऑप्शन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करना है, मी पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज माई अकाउंट, सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर कनेक्ट करने का है। तो सिंपल आपको टिकटॉक एप्लीकेशन से फ़ोन नंबर को आपको कनेक्ट करना है। इसके बाद जब आपका फ़ोन नंबर कनेक्ट हो जाएगा तो इसके बाद नीचे आपको एक आता है ईमेल आईडी ऐड करने के लिए, आपको सिंपल वहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करना है। ईमेल आईडी ऐड करने के बाद वहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, सिंपल वेरीफाई क्लिक कीजिएगा और आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करते ही आपको मोबाइल नंबर, आपका जीमेल उस टिकटॉक आईडी से वेरीफाइड हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आ चुके हैं फाइनली मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद यहाँ पे हमें टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। सिंपल मी पे क्लिक करना है। मी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो प्रोफाइल है ओपन हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या करना है, इस प्रोफाइल को आपको स्क्रीन शॉट लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लिया हूँ। स्क्रीन शॉट लेने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइव पेमेंट रिवॉर्ड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, लाइव होस्ट पे आई कैन स्टार्ट ए लाइव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, येस या नो, तो सिंपल आपको नो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइप करना है, तो क्या टाइप करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेक्स्ट लिख रखा हूँ, वहाँ से आपको सिंपल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल आपको प्रेस करके रखना है, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि हमारा देख सकते 2K फॉलोवर कंप्लीट हो चुका है और 40K लाइक्स कंप्लीट हो चुका है, तो आपके देखना है आपके प्रोफाइल में कितने लाइक्स हैं और कितने आपको फैंस फॉलोवर हैं और यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ थैंक्स, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है, तो जो भी आपके पास ईमेल आईडी है ईमेल आईडी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो मैं फटाफट ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर दिया। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, आपने जो स्क्रीन शॉट लिए थे उस स्क्रीन शॉट को सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो स्क्रीन शॉट आपने लिए थे उस स्क्रीन शॉट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंबल सेंड कर देना है, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल डन कर देना है। तो इस तरह से यदि आप प्रोसेस करते हैं यहाँ पे आपको लाइव ऑप्शन मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन हो गया, इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। यहाँ से यदि करने के बाद आपके टिकटॉक पे लाइव ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, मैं आपको सेकेंड ऑप्शन बता देता हूँ। तो सिंपल आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है टिकटॉक ऐप और इसके बाद टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आना है, आपको 5 स्टार 3 स्टार जो भी आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 5 स्टार सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपल हमें टेक्स्ट जो मैंने लिख रखा हूँ कॉपी करता हूँ, सिंपल नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हमें टिकटॉक आईडी नेम लिख देना है। टाइप कर दिया हूँ टिकटॉक आईडी नेम टेक्निकल शैलेंद्र, नीचे लिख दिया थैंक्स। इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट का, सिंपल आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही पोस्ट करेंगे तो जैसे देख सकते हैं ये जो है हमारा मैसेज जो है टिकटॉक टीम के पास चला गया हुआ है। इसके बाद हम इसे डन करते हैं। यदि आप इस तरह से दो प्रोसेस करते हैं आपके टिकटॉक अकाउंट पे लाइव ऑप्शन बहुत जल्द मिलने के चांसेस बढ़ जाता है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल साइलेंस चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं या फिर किसी भी टिकटॉक वीडियो के नीचे यहाँ पे @ टेक्निकल साइलेंस लिख सकते हैं।